आज मैं एक क्विक और हेल्दी व्रत की थाली लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने सामक का पुलाव, साबूदाना और केले की टिक्की और मीठा छेना बनाया है। पुलाव के लिए हाफ कप सामक राइस को 2 घंटे के लिए सोक करेंगे। फिर कुकर में 1 टीस्पून घी गरम करके जीरा, हरी मिर्च, कटे हुए आलू, गाजर, सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर को मिक्स करेंगे। फिर इसमें राइस और 1 कप पानी डालकर 1 सीटी आने तक कुक कर लीजिए। ऊपर से नींबू का रस और मूंगफली डालकर सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको साबूदाना टिक्की की एक हेल्दी रेसिपी बताती हूँ, जिसमें मैंने आलू की जगह उबले हुए कच्चे केले का यूज किया है और इसे थोड़े से ही घी में शैलो फ्राई किया है। एंड ट्रस्ट मी, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। यहाँ मैंने उबले हुए केले, सोक्ड साबूदाना और क्रश्ड मूंगफली को मैश करके सेंधा नमक, काली मिर्च का पाउडर, भुना जीरा पाउडर, हरी मिर्च, अदरक, धनिया पत्ता और जीरा को मिक्स किया है। अब हम हाथों में घी लगाकर टिक्कियां बना लेंगे और इसे 1 टेबलस्पून घी के साथ पैन में ढककर 5 मिनट के लिए दोनों साइड से पका लेंगे। ये रेडी हो गई हमारी हेल्दी साबूदाना टिक्की, जिसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। अब अंत में हम एक मीठा बनाएंगे। यहाँ मैंने 1/2 लीटर दूध का छेना निकाला है। पहले आप अपनी पसंद के कुछ नट्स को रोस्ट कर लीजिए। अब 1 टीस्पून घी में छेने को 2 मिनट भूनने के बाद इसमें गुड़, इलायची पाउडर और रोस्टेड नट्स को मिक्स कर देंगे। ये खाने में इतना स्वादिष्ट है कि आप इसे रोज बनाएंगे। इस हेल्दी और डिलीशियस व्रत की थाली को आप सिर्फ 30 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं।